हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनू सर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताए हैं और बहुत ही शॉर्ट, जो आप इजीली एक बार अगर पढ़ेंगे भी, अगर एक बार ढंग से आपने पढ़ भी लिया तो आपको वो लर्न हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे वीडियोज आपको बना के दिए हैं और इन वीडियोस की हेल्प से आप अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें, लाइक भी कर दें एक बार तो बहुत ही अच्छा होगा, और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको मेरे वीडियोज मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, पहले आप अलग अलग समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है पर्पस। पर्पस मीन्स कि अगर अकाउंटिंग है तो कोई ना कोई उसका पर्पस होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी चीज है, जो भी कुछ आइटम दिया हुआ है, वो सब कुछ किसी ना किसी काम का होता है। उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से ये सब्जेक्ट जब हमारा बना, जब हम स्टडी कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखने को तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर देखें तो कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मीन्स आपको पता है अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। क्यों रिकॉर्ड करती है, तो अगर आप एक एक चीज का क्वेश्चन बना के पूछोगे अपने आप से तो कुछ ना कुछ आपको ऑटोमेटिक आंसर निकल के आएगा। जैसे आपने पूछा कि क्यों करती है, रिकॉर्ड क्यों करती है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस वो चला रहे हैं, ओनर जो बिजनेस को चला रहा है, वो बिजनेस कितना इफेक्टिव है, प्रॉफिटेबल है, कहीं लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं है, तो उसके लिए वो रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। और इसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, असेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपने बिजनेस की पोजीशन को पता करना। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग अपना कोई टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद में आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे मार्क्स कितने आए, हमारा कौन सा टॉपिक ज्यादा वीक है जिसमें हमको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा स्टडी करना है। सेम मैनर में एक बिजनेस को फोकस करना होता है अपने उन पार्ट्स को जो उसके लिए बहुत वीक है, जिससे कि वो अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। और अगर स्ट्रेंथ है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्ट्रेंथ तो और ज्यादा इसको स्ट्रेंथ में लेके आए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बिजनेस जितना ज्यादा स्ट्रेंथ में होगा, जितना ज्यादा कस्टमर उससे अटैच्ड होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस को रन करने का, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए जरा शुरू करते हैं। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। हालांकि इससे पहले वीडियोस में मैं आपको ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ क्या मीनिंग होता है ट्रांजेक्शंस का और इवेंट का, दोनों एक ही चीज नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द प्रॉपर बुक बाय द यूज ऑफ बुक कीपिंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। मीन्स अकाउंटेंसी के जो रूल्स दिए हुए हैं, अब अकाउंटेंसी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो अकाउंटेंसी में जो रूल्स प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट दिए हुए उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना, पहला क्लियर हुआ। सेकंड है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस समय में आ रहा होगा, डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। डिटरमाइन को क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइन माने कैलकुलेट समय में आ रहा होगा, कैलकुलेशन करना, ठीक है। मींस ये पता करना, आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये कैसे पता चलता है, इसके लिए क्या बनाते हैं, ये इसके लिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट। इस कैलकुलेशन के लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि ये कन्फर्म होता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको सारे ट्रांजेक्शन को एक शॉर्ट वे में समराइज फॉर्म में
ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना करके ये कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेन, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है, कितना हमने लॉस किया, सफर किया। फिर है आपका डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजिशन नंबर थ्री। ये क्या कहता है? ये कहता है फाइनेंशियल पोजिशन को पता करता है, डिटरमाइन कोई कैलकुलेशन, किस चीज की कैलकुलेशन करता है, फाइनेंशियल पोजिशन की पता चलता है। और फाइनेंशियल पोजिशन कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट को हम पोजिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, पता है ना? इस बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? पोजिशन स्टेटमेंट। इससे बिजनेस की पोजिशन कैलकुलेट की जाती है, पोजिशन स्टेटमेंट कहते हैं इसको। ये पता करते हैं कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। असेट्स लाइबिलिटीज क्या है? असेट्स जिससे बिजनेस को कुछ भी अमाउंट मिलेगा इन फ्यूचर, माने बिजनेस की स्ट्रेंथ। और लाइबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट जो बिजनेस को एज अ डेब्ट पेड करना है। नेक्स्ट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। असिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प। असिस्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्प, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? इसका तो हेल्प का मीनिंग क्या है, असिस्टिंग का मीनिंग क्या है? हेल्प, किसकी हेल्प कर रहे हैं? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट कौन कौन होता है? मैनेजमेंट जो कि बिजनेस के सारे रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से अप्लाई करता है, नो वेस्टेज या जीरो वेस्टेज के साथ अप्लाई करता है, और उन जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उन अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करता है, ज्यादातर प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करता है। और ये सब कैसे पता चलता है? केवल अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग हर एक चीज का रिकॉर्ड करती है भाई। वैसे मैं कहता हूँ मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है मुझे याद रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मुझे एज इट इज याद रहे, सारी डेट उसके फैक्ट फिगर मेरे को, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है कि अकाउंटिंग हर एक चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है, डेट वाइज, बिल्कुल एक एक डेट के साथ, अमाउंट के साथ, वाउचर्स के साथ, हर एक चीज का प्रूफ के साथ, ठीक है? तो ये बिजनेस मैनेजमेंट की मदद करता है किसके लिए, कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कहीं बिजनेस का कोई वीक फैक्टर तो नहीं है, ठीक है, जिसको बिजनेस को रिपेयर करना है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट माने बताना, किसको बताते हैं और क्या बताते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही ना, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, पोजिशन स्टेटमेंट, किससे हमने कितना परचेज किया या हमने किसको बेचा, कौन कौन से ट्रांजेक्शन में डील किए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको शॉर्ट फॉर्म में ट्रेडिंग पी एंड ऑफ बैलेंस शीट के बना करके इसके जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स कौन से हैं? मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो यूजर्स बिजनेस के इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनको समझाते हैं कि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन, मतलब बिजनेस जो हमने रन किया है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, वो कितना प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्शन समझ लो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मीन उसको संरक्षण देना। तो बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मीन्स कि जब बिजनेस की हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सारी असेट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। इससे मैनेजमेंट को पता होता है कि बिजनेस के पास कौन कौन की असेट्स हैं और उनकी करंट वैल्यू क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप अपनी लैंग्वेज में इसके दो दो लाइन के नोट्स प्रिपेयर करिए, आगे मैं आपसे इसके फंक्शन भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आपने देखा ना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव मींस पर्पस। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस माने काम, कौन कौन से काम करती है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस तरीके से काम में आती है, ठीक है? तो अकाउंटिंग के जो फंक्शंस है वो मच सिमिलर एज अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे ही है कुछ कुछ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको इसमें फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ तो कुछ समय के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को भी अपने माइंड में कैरी करके चले। चलिए पहला फंक्शन है इसका मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कि रिकॉर्ड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शंस इवेंट्स इन द प्रॉपर बुक बाय द सिस्टमेटिक मैनर। मीन्स कि जो अकाउंटेंसी में रूल्स बताए हुए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लिखना। मीन्स सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक तरीके से जिस बुक में, जिस प्रॉपर बुक में ट्रांजेक्शन
should be recorded, उसी बुक में हमको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए कौन कौन से होते हैं, अभी बताया मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट है या पी एंड एल अकाउंट है या बैलेंस शीट है, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट तो ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद इसका जो भी नेट रिजल्ट होता है उस नेट रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग लीगल नीड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा दिमाग से समझना और दिमाग में रखना इसको, मीटिंग लीगल नीड्स। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज दैट कि अगर कोई केस ऐसा फंस जाता है जिसके वजह से मान के चलो कि लीगल रिक्वायरमेंट कोर्ट में अगर हमको केस पेंडिंग हो गया, तो उसमें एज अ प्रूफ हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए वाउचर्स होते हैं और कोर्ट में भी वैलिड होता है। अगर कोर्ट में इसको लेके जाते हैं, रिकॉर्ड्स को लेके जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बात को प्रूफ करने के लिए। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जितने भी डेटाज हैं, ये हमारी मदद करते हैं। जीएसटी वगैरह हमको कितना देना है, ठीक है ना, अब इसमें कैलकुलेशन करना है, जीएसटी कितना देना है, टैक्स कितना देना है, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है, ये सारी लीगल नीड्स की आती हैं, तो इन नीड्स को पूरा करने में ये अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, क्या मतलब है, ये अपने डेटे को जो भी इनका फाइनेंशियल अभी रिकॉर्ड इन्होंने किया उसको कम्युनिकेट मीन्स बताते हैं, किसको बताते हैं, यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स कौन कौन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मीन्स जो भी इनका हो सकता है इनका बैंक हो, ओनर हो, मैनेजमेंट हो, और भी जो पर्सन इससे इंटरेस्टेड हैं, उन इंटरेस्टेड पार्टीज को बिजनेस के सारे एस्पेक्ट, जो बिजनेस का रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो सब कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और इसको केवल अकाउंटिंग ही कर सकता है, बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं कर सकता, तो ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग कितना पावरफुल है। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस मैंने आपको बताया हेल्प, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेना चाहता है, सपोज दैट कि मैनेजमेंट चाहता है कि मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट मतलब बढ़ाना है मेरे को अपना बिजनेस, तो इसके लिए फंड का होना जरूरी है। अब वो फंड कितना उसके पास रखा हुआ है, कितना फंड इसका बाहर डिस्ट्रीब्यूशन में है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, तो अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन्स वगैरह के लिए फॉर्मेलिटीज अगर करते हैं, तो उसके लिए भी इनको बैलेंस शीट वगैरह बैंक में देनी होती है, तो उसके लिए मैनेजमेंट की भी मदद करता है अकाउंटिंग, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है ना। डिसीजन लेना है कि हमें पर्सन से पर्टिकुलर गुड्स परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड जो भी हो अकाउंटिंग हमारा बताएगी कि किस तरीके से, किस डेट में हमने उसको पेमेंट किया है, उसकी कंडीशंस कैसी रही हैं, अगर हमने क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल के बाद वो डेटर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसने कितनी डिफरेंस के साथ हमको पेमेंट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमको पता चलता है अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूँ, और आप मेरे वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, मैं और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ और लेके भी आऊँगा, और इनको आप शॉर्ट में नोट्स में दो लाइन में जो मैंने आपको बताया, नॉट मोर देन, क्योंकि इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा थ्योरेटिकल वे में नहीं आपसे पूछा जाता है, और शॉर्ट नॉलेज आपको होना इसकी ज़रूरी है, केवल नॉलेज के पर्पज से ये चैप्टर आपको स्टडी करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े हैवी नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको बताया तो हाफ पेज का इसका वो होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन आपको करना है, केवल ओनली फॉर योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज ही एक आपकी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को कहीं सर्वाइव कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है इसमें या मेरे प्रीवियस वीडियोज में कहीं पर भी, तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।